माने बवासीर, जिसको हम हेमोराइड्स, अर्शन, बहुत सारी श्रद्धाएं देते हैं। इसके प्रमुख प्रकार क्या होते हैं, इसके टाइप्स क्या होते हैं, आज के वीडियो में हम ये जानने की कोशिश करेंगे। नमस्कार दोस्तों, डॉक्टर कांथे पाइल्स क्लिनिक हमारे चैनल में आप सबका स्वागत है। पाइल्स, फिशर, फिशुला, पाइलोनेडल साइनस, इन बीमारियों के बारे में अगर आपको अधिक जानकारी चाहिए तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा जानकारी जानिए। पाइल्स यानी बवासीर, ये बीमारी आजकल बहुत ही कॉमन हो चुकी है। भारतवर्ष में करीबन 11% से ऊपर लोगों को ये बीमारी होती हुई दिखाई देती है। 50 से ज्यादा उम्र वाले लोगों में मोर देन 50% ये लोगों को बीमारी होती हुई दिखाई देती है। ऐसा एक सर्वे है कि हर एक आदमी को उसकी लाइफ में एक बार तो पाइल्स की बीमारी या पाइल्स के लक्षण होते हुए दिखाई देते हैं। बहुत ही अलग टाइप की बीमारी मानी जाती है। हम जानते हैं कि गुदा भाग में या एनस में, शौच में कुछ भी तकलीफ होती है, जैसे चुभन होना, दर्द होना, सूजन होना या फिर खून आना, तो तुरंत उसे बवासीर या अर्श माना जाता है या पाइल्स माना जाता है। लेकिन ऐसा हर समय में नहीं होता है। गुदा प्रदेश में होने वाली एक बीमारी का नाम है अर्श या पाइल्स। गुदा प्रदेश में दूसरी भी बीमारियां बहुत होती हुई दिखाई देती है, जैसे फिशर हुआ, एनल पॉलिप हुआ, बगंदर हुआ, एप्सिस हुआ, बहुत सारी अलग अलग टाइप की बीमारियां उस जगह पे होती है। तो आज हम ये जानेंगे कि पाइल्स यानी बवासीर के प्रकार कितने होते हैं, उसे कैसे पहचाना जाए। बवासीर इसके दो प्रमुख प्रकार माने जाते हैं, एक जो रहता है वो अंदर का बवासीर मतलब इंटरनल हेमोराइड्स, और दूसरा जो रहता है एक्सटर्नल हेमोराइड्स। पहले हम जानते हैं कि एक्सटर्नल हेमोराइड्स मतलब क्या। एक्सटर्नल हेमोराइड्स, जिसको हम सेंट्रल पाइल ऐसा भी बोलते हैं या फिर बाहर का मस्सा, जनरली स्त्रियों में आफ्टर डिलीवरी ये बहुत ज्यादा दिखाई देता है, पुरुषों में भी दिखाई देता है, बट जिनको बहुत दिनों से तकलीफ है उनमें ये सेंट्रल डायरिया बाहर का मस्सा दिखाई देता है। ये मल्टीपल रहते हैं, मतलब एक, दो, तीन, चार डिफरेंट। दूसरा जो प्रमुख प्रकार माना जाता है या टाइप्स माना जाता है वो इंटरनल हेमोराइड्स, मतलब अंदर के मस्से। उसके लक्षणों अनुसार और उसके आकार अनुसार उसके सब टाइप्स होते हैं, फोर सब टाइप्स होते हैं, मतलब चार प्रकार होते हैं। पहला जो प्रकार होता है जिसको हम फर्स्ट डिग्री इंटरनल हेमोराइड्स बोलते हैं, जिसमें जब भी नाइट्रेट करते हैं तब वो मोशन के साथ में मस्सा बाहर नहीं आता है। उसमें ये प्रमुख लक्षण दिखाई देता है, कभी कभी चुभन होता है, कभी हल्के का सा दर्द होता है या एक आध दो बूंद खून भी आ सकता है। ये प्रमुख लक्षण होते हैं फर्स्ट डिग्री हेमोराइड। सेकंड डिग्री हेमोराइड मतलब द्वितीय अवस्था बवासीर की, जिसमें मस्से का आकार बड़ा होता है। ये मस्सा शौच करते समय थोड़ा सा बाहर आता है, रुग्ण को सूजन सी महसूस होती है एनल रीजन में, या फिर उसको ऐसा लगता है उसको बाहर आ, और लैट्रिन के बाद में वो तुरंत अंदर चला जाता है या वो सूजन कम हो जाती है, उसको हम बोलते हैं सेकंड डिग्री हेमोराइड। उसके साथ में कभी कभी खून आना ये एक लक्षण रहता है, जलन होना या दर्द होना ये लक्षण भी कम ज्यादा प्रमाण में उसमें दिखाई देता है। तीसरा जो प्रकार रहता है थर्ड डिग्री इंटरनल हेमोराइड। थर्ड डिग्री इंटरनल हेमोराइड में जब भी लैट्रेट करते हैं, मोशन करते हैं, तो गुदा से वो मस्सा बाहर आता है और उसको हाथ से अंदर पुश करना पड़ता है या पेशेंट को, रुग्ण को खुद ही हाथ से अंदर डालना पड़ता है। कुछ कुछ रुग्णों में लैट्रेट के बाद में वो बाहर आता रहता है और कुछ देर आराम करने के बाद में, सोने के बाद में वो धीरे 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 चला जाता है। इसको कहते हैं थर्ड डिग्री हेमोराइड। इस अवस्था में रुग्ण को अलग लक्षण दिखाई देते हैं।
कुछ रुग्णों में एक ही लक्षण दिखाई देता है, कुछ रुग्णों में खून आना, बवासीर मतलब ब्लैडरिंग के समय खून आना, दर्द होना, जलन होना, अनइजी फील होना, या कुछ कुछ रुग्णों में शौच से स्टिकी डिस्चार्ज आना, चिकना स्राव आना, ये भी हमको दिखाई देता है। सबसे इंपॉर्टेंट और लास्टली जो पाइल्स का प्रकार माना जाता है वो है 4 डिग्री इंटरनल हेमोराइड, जिसको प्रोलैप्स हेमोराइड ऐसा भी कहा जाता है। अलग अलग कारणों से जब भी ये 3 डिग्री के बाद में मसा बाहर आता है वो, और वो हाथ से अंदर नहीं जाता है, वो कंप्लीटली एनल रीजन से बाहर ही रहता है, तब उसको 4 डिग्री हेमोराइड्स या प्रोलैप्स हेमोराइड ऐसे कहा जाता है। ये बहुत ही दर्दनाक कंडीशन होती है जिसमें पेशेंट बेड भी नहीं सकता है, दर्द कॉन्स्टेंट रहता है, ब्लीडिंग रहता है, स्टिकी डिस्चार्ज चला जाता है, जलन होती है। ये कंडीशन होती है, ये लक्षण होते हैं 4 डिग्री इंटरनल हेमोराइड के। दूसरे और दो प्रकार बहुत कम दिखाए जाते हैं, उसको थ्रोम्बोज हेमोराइड्स बोलते हैं। थ्रोम्बोज हेमोराइड्स में भी इंटरनल थ्रोम्बोज और एक्सटर्नल थ्रोम्बोज ये दिखाई देते हैं। ज्यादातर उसके कारण अगर हम देखें तो शरीर में कुछ कारणों से जब हीट बढ़ती है, ऊष्मा बढ़ती है, तो अचानक से लैटरल के साथ में ये बस से बाहर आ जाते हैं, उसको एक्सटर्नल थ्रोम्बोज पाइल्स कहते हैं। इसमें दर्द रहता है और चने के माफी या चने से बड़ी एक गांठ तैयार हो जाती है। इंटरनल हेमोराइड सेम कंडीशन रहती है, लेकिन ये जो गांठ रहती है वो अंदर से होती है, इसमें दर्द बहुत रहता है और खून भी लैटरिन के साथ में जाते हुए दिखाई देता है। तो आज हमने पाइल्स यानी बवासीर के जो प्रमुख प्रकार है वो देखे हैं, जिसमें है एक्सटर्नल हेमोराइड्स, देन इंटरनल हेमोराइड्स उसके सब टाइप्स, और थ्रोम्बोज हेमोराइड्स के टाइप्स। दोस्तों याद रखिए, शौच की जगह पे अगर दर्द है, जलन है, ब्लीडिंग हो रहा है या कुछ भी तकलीफ हो, चूर्ण हो रहा है, तो हर बीमारी बवासीर या पाइल्स में होती है। आपको तज्ञ डॉक्टर से इसकी सलाह लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। पाइल्स एक ऐसी बीमारी है, अगर आप टाइम पे इलाज नहीं करेंगे तो जरूर वो स्टेप बाय स्टेप, फ्लोर से सेकंड सेकंड से थर्ड, थर्ड से फोर्थ होगी, ये टाइप्स में कन्वर्ट होगी।